हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू बी फ्री मैथ सॉल्यूशन। दिस इज संजना गिरी। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15 बिकॉज वी हैव ऑलरेडी सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 14 इन द प्रीवियस वीडियोस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर 11, परसेंटेज प्रतिशत। ओके, सो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ। एक विधानसभा केंद्र के 80% वोटदाताओं ने वोट दिया है। विजय प्रार्थी ने प्रदत्त वोटों का 65% वोट पाया है, तो उन्होंने कुल वोट का कितना प्रतिशत पाया है, ये हमें निकालना है। ओके, तो आप लोग पहले देखो कि कितना वोट टोटल कितना मिला है। यहाँ पे 80% लोग वोट दिए हैं। ओके, और उसमें से 65% वोट से जो विजयी हुआ है वो जीता है। ओके, तो हमें जो निकालना है कुल वोट, इसी से निकालना होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 15, लेट टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इक्वल टू 100। हमें पता नहीं है कि कितना है, इसलिए हम 100 मानकर चलते हैं। ठीक है, वो माना कि टोटल वोटर मेरे 100 हैं, 100 हैं, तो वोट कितना मिला है, 80% मिला है। तो इसे हम लिखेंगे कि सो वोट कास्ट, वोट मिला इक्वल टू 80%। तो 80% कितना किसका मिला है, ये 100 का ही मिला है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 80/100 इंटू 100। ठीक है, ये 80% 80/100 × 100। सो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी 80 निकला। ये मेरे वोट इतना मिला है। ओके, अब हम लिखेंगे कि वोट जो विजयी हुआ है, जो विनर है, वो कितना से 65% से जीता हुआ है। तो 65% से जीता है, यानी कि इतना ही वोट में वो जीता है। ठीक है, तो हम इसे निकालेंगे। पहले लिखेंगे कि वोट गॉट बाय विनिंग कैंडिडेट इक्वल टू 65%। ठीक है, 65% उसे मिला है। तो 65% किसका मिला है, 80 का 65% मिला है, क्योंकि वोट तो टोटल 80 ही मिला है। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्वल टू 65/100 इंटू 80 ओके, सो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखो 2 5s are 10, 13 5s are 65, 2 4s are 8, दैट इज 52। यानी वोट जो कैंडिडेट जो जीता है, वो मेरा विनिंग कैंडिडेट जो है वो 52 वोट से जीता हुआ है। ओके, तो ये 52% मेरे वोट से वो जीता हुआ है, इसलिए हम लिखेंगे कि तो हम यहां लिखेंगे कि जो मेरा विजय प्रार्थी है वो 52% वोट से जीता हुआ है। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे द विनिंग कैंडिडेट गॉट 52% ऑफ टोटल वोट, क्योंकि टोटल वोट मेरा 80 मिला है, 80 से ही ये इसको हम निकालेंगे। सो यहाँ पे जो कैंडिडेट, जो मेरा विजयी प्रार्थी है, वो 52% से 52% टोटल वोट की 52% से जीता है। ठीक है, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट 16, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ, इस वर्ष नंदलाल उच्च विद्यालय के 85% परीक्षार्थियों ने हिंदी में
70 गणित में, 70% 70% गणित में और 65% दोनों विषयों में ए प्लस पाए हैं। परीक्षार्थियों की संख्या यदि, यानी टोटल जो परीक्षार्थी हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो परीक्षा दिए हैं 120 है, तो हिसाब करके देखिए कि दोनों विषयों में ए प्लस कितना पाए हैं, केवल हिंदी में ए प्लस कितना पाए हैं, केवल गणित में ए प्लस कितना पाए हैं और दोनों विषयों में ए प्लस नहीं पाए हैं। ठीक है, तो आप लोग देखो पहले ये टोटल कैंडिडेट जो है मेरे, टोटल स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे 120 है। 120 से ही हम निकालेंगे कि मेरा हिंदी में कितना पाए हैं और गणित में कितना पाए हैं। ओके, उसके बाद हम ये दोनों विषयों में जो मेरा 65% पा रहे हैं, ए प्लस पाए हैं, वो हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इससे निकालते हैं कि हिंदी में कितना पाए हैं और गणित में कितना पाए हैं। ठीक है, और बौद्ध सब्जेक्ट में कितना पाए हैं, ए प्लस जो दिया हुआ है कि दोनों विषयों में ए प्लस कितना पाए हैं, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम ये ही निकालते हैं कि दोनों विषयों में ए प्लस पाए हैं, तो हम पहले दोनों विषयों का निकालते हैं। सो लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 120 है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं। बौद्ध सब्जेक्ट में ए प्लस कितना पाए हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ है बौद्ध सब्जेक्ट में 65% पाए हैं। ठीक है, तो 65% पे हम निकाल रहे हैं, तो लिखेंगे इन बौद्ध सब्जेक्ट दोनों विषयों में, इन बौद्ध सब्जेक्ट गॉट ए प्लस, ए प्लस कितना पाए हैं, 65% पाए हैं। ठीक है, तो 65% कितने का पाए हैं, 120 का ही पाए हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो 65/100 इंटू 120। ओके, तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 2 5 10 और 13 5 65, फिर 2 6 12, सो 13 × 6 दैट इज 78। ये 78 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो ए प्लस पाए हैं दोनों विषयों में, दोनों सब्जेक्ट में। ओके, तो अब हमें इसमें निकालना है, तो मेरा यहाँ पे निकला कि दोनों विषयों में, दोनों विषयों में ए प्लस जो पाए हैं, ये मेरा निकल गया 78%। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि केवल हिंदी में ए प्लस कितना पाए हैं, तो आप लोग ये देखो हिंदी में 85% परीक्षार्थी पहले दिए हैं परीक्षा हिंदी का, तो हिंदी में पहले ये निकालेंगे कि हिंदी का कितना दिए हैं। तो हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स हु गॉट ए प्लस इन सेकंड है मेरा, केवल गणित में ए प्लस पाए हैं, तो पहले तो हमें निकालना होगा कि गणित में कितने 70% विद्यार्थी दिए हैं परीक्षा, तो हमें पहले ये निकालना होगा कि कितना परीक्षा दिए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट हु गेव एग्जाम मैथ ओनली, मैथ का एग्जाम कितने लोग दिए हैं वो हम पहले निकालेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 70% दिया हुआ है, 70% लोग मैथ का एग्जाम दिए हैं, तो उसमें से हम निकालते हैं कि 120 से कितने लोग दिए हैं, यहां से निकलेगा इक्वल टू 70 बाई 100 इंटू 120। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, दैट इज यहाँ पे 84 आया। ठीक है, अब यहाँ पे दिया 84 आ गया, अब जो मेरा ए प्लस इसमें से कितना पाए हैं, टोटल दोनों सब्जेक्ट में ए प्लस मेरे 78 स्टूडेंट्स ने पाया है, तो 78 स्टूडेंट्स में मैथ में कितना पाए हैं वो हमें निकालना होगा।
क्योंकि मैथ में मेरे टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 84 स्टूडेंट्स ने मैथ का एग्जाम दिया है, उसमें से मुझे ए प्लस कितना पाए हैं वो हमें निकालना है। सो हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट्स हु गॉट ए प्लस इन मैथ ओनली इक्वल टू, ये टोटल 84 मेरे मैथ में दिए हैं और 78 में से हम माइनस करेंगे क्योंकि मेरे 78 स्टूडेंट्स ने ए प्लस लाया है बहुत सब्जेक्ट में, तो इसलिए इसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा तभी तो मेरा ए मैथ में कितना पाए हैं वो निकलेगा। सो 84 माइनस 78 दैट इज 6 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का 3 दिया हुआ है कि केवल हिंदी में ए प्लस कितना पाए हैं ये हमें निकालना है, तो हिंदी में ए प्लस पाने के लिए पहले तो हमें ये निकालना है कि हिंदी में 85% विद्यार्थी ये दिए हुए हैं, परीक्षा दिए हैं, तो 120 से हमें पहले हिंदी के में कितने निकाले परीक्षा दिए हैं ये हमें निकालना है। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल परीक्षार्थियों की संख्या इक्वल टू 120 और उसके बाद लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स हु गेव हिंदी एग्जाम इक्वल टू 85%, ठीक है, 85% टोटल दिए हुए हैं। सो टोटल हिंदी में एग्जाम कितना दिए हैं ये हमें निकालना है। सो 85/100 इक्वल टू इनटू 120, ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 2 5 जा 10, 17 5 जा 85, फिर 2 6 जा 12, सो 17 × 6 दैट इज 102। ओके 102 निकला टोटल स्टूडेंट मेरे हिंदी में दिए हुए हैं। अब जो निकला हुआ था कि ए प्लस दोनों में से कितना पाए हैं, ए प्लस मेरा निकला हुआ था कि 78 स्टूडेंट्स पाए हैं, तो हम उसमें से इसको माइनस कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा कि ए प्लस हिंदी में कितना पाए हैं, ठीक है, तो लिखेंगे कि द स्टूडेंट्स Who got A plus in Hindi equal to 102 minus जो बहुत एग्जाम में मेरा जो A plus जितना पाए थे that is 78, ठीक है, तो कितना निकला 24 student 102 में से 24 A plus हिंदी में पाए हैं। ओके अब हम निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का, दिया हुआ है कि दोनों विषयों में ए प्लस नहीं पाए हैं। अब यहाँ आप लोग देखो कि ए प्लस नहीं पाए हैं, अभी तक में ए प्लस पाए हैं, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों विषयों में ए प्लस नहीं पाए हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ये थ्री है और ये 4 है। ओके तो 4 में हम लिखेंगे कि द स्टूडेंट हु डिड नॉट जो नहीं पाए हैं डिड नॉट गेट ए प्लस इन बोथ सब्जेक्ट इक्वल टू लिखेंगे यहाँ 120 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट माइनस 78 मेरे दोनों बहुत जो बहुत सब्जेक्ट में पाए थे ए प्लस, और उसके बाद 6 जो ए प्लस में पाए थे ए प्लस मैथ में पाए थे, तो यहाँ लिखेंगे 78 प्लस 6 प्लस जो ए प्लस हिंदी में जितना पाए हैं दैट इज 24। ओके ये सब 120 से हम माइनस कर देंगे तो हमें निकल जाएगा कि ए प्लस कितने नहीं पाए हैं, ठीक है, तो
तो 120 माइनस 108 दैट इज 12, ठीक है। तो 12 स्टूडेंट ए प्लस नहीं पाए, तो ये हम लिख देंगे। सो 4 का ये बन गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। 17 में दिया हुआ है कि अमीना बीवी का वेतन पहले 20% बढ़ गया, फिर क्या हुआ कि 20% कम भी हो गया। तो अमीना बीवी का वेतन कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ, ये हमें हिसाब करके देखना है। लेट्स वर्क आउट द टोटल परसेंटेज चेंजेस इन हर इनकम। इनकम में उनकी कितना प्रतिशत चेंज हुआ ये हमें निकालना है। तो हमें तो ये पता नहीं है कि उनका कितना इनकम है, सो हम यहाँ 100 मानकर चलेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं पहले कि लेट द ओरिजिनल इनकम ऑफ अमीना वाज 100। 100 उनका इनकम है ये हम मान के चलते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है। अब यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट उनका इंक्रीज होता है 20%, ठीक है। पहले इंक्रीज उनका 20% हो रहा है, तो हम 20% यहाँ लिखेंगे कि फर्स्ट इंक्रीमेंट इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है 20%, ठीक है। 20% उनका इंक्रीमेंट हुआ, तो 100 का ही तो 20% इंक्रीमेंट होगा। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 20% इंटू 100, दैट इज 20/100 इंटू 100, दैट इज 20, ओके। यहाँ 20 निकला, तो अब इनका वेतन कितना हो गया, इनकम इनका कितना हो गया, तो ये हम लिखेंगे कि सो इनकम आफ्टर इंक्रीमेंट इक्वल टू 100+20, ठीक है। 100+20 दैट इज 120, ओके। अब लिख रहा है कि इनका अब क्या हो रहा है कि पहले तो इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद 20% फिर डिक्रीज भी हो गया है, कम हो गया है। तो हम ये लिखेंगे कि अब देन डिक्रीज इक्वल टू घट गया है 20%, ठीक है। 20% घट गया है, तो घटेगा अब किस पे घटेगा, जो मेरा इनकम हुआ है पहले उसी पे घटेगा, यानी 120 पे घटेगा। तो हम लिखेंगे 20% ऑफ 120, ठीक है, 120 पे ही घटेगा। सो 20/100 इंटू 120, ओके। 20/100 इंटू 120, सो 0 से 0 कैंसिल, 10 से यहां 0 कैंसिल, दैट इज 24 इनका अब घट गया है, 24 रुपीज इसमें से अब घट गया है, ठीक है। तो 24 रुपीज जो घटा, अब मतलब इनका कितना है, इनका अब घटने के बाद इनका कितना वेतन है ये हम निकालेंगे, ओके। तो घटा किस पे है, 120 पे ही घटा है 24। सो हम जो मेरा घटा है वो इससे हम निकालेंगे इसको, दैट इज 120-24 करेंगे, ठीक है, ऐसे करेंगे हम। सो हम यहां लिखेंगे वेतन घटने के बाद, यानी इनकम आफ्टर डिक्रीज इक्वल टू लिखेंगे हम 120-24, 120 रुपए में से ही 24 को घटाएंगे, दैट इज 96 रुपीज, ठीक है, 96 रुपीज हुआ। अब इनका वेतन घटा है, तो यहां लिखेंगे कि डिक्रीज इन हर इनकम 100 से ही हम लिए थे ना, इसलिए हम 100 से माइनस करेंगे, दैट इज 100-96, 4 रुपीज, ओके, 4 रुपीज।
अब परसेंटेज डिक्रीज हम निकालेंगे, सो परसेंट डिक्रीज इन हर इनकम इक्वल टू 4 × 100/100। 100 पे हमने लिया था और परसेंट निकाल रहे हैं, सो इंटू 100 करेंगे, ठीक है। 4/ मतलब जो मेरा पहला डिक्रीज हुआ है, बाई जो मेरा पहले वेतन था वो, इंटू 100 परसेंट निकाल रहे हैं इसलिए, सो 100 कैंसिल, सो 4% दैट इज द आंसर। सो उनका डिक्रीज हुआ इनकम में 4%, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, सो ओरिजिनल इनकम ऑफ अमीना बेबी इज डिक्रीज्ड बाय 4%। सो ओरिजिनल इनकम ऑफ अमीना बेबी हैज डिक्रीज्ड बाय 4%। That is the answer, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 बन गया, बहुत ही इजी था लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट भी था। क्वेश्चन नंबर 16 इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में अक्सर आता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, सो ये आप लोग अच्छा से कर लेना। 17 भी इम्पोर्टेंट है, इधर जितने भी हैं ये सब इम्पोर्टेंट ही हैं क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, सो ये भी 17 भी इम्पोर्टेंट है, 16 भी इम्पोर्टेंट है और 15 भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 15 भी ये जो वोट वाला है ये क्वेश्चन आता ही है, तो इसे आप लोग अच्छी तरह से कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक करो, आप लोग शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उन्हें भी ये मौका मिले। ये मैं इसलिए ये की हूँ ताकि आप लोगों को गरीब से गरीब बच्चे भी ये ऐसे पढ़ सकते हैं, जो ट्यूशन नहीं ले पाते हैं उनके लिए ये अच्छा है। सो आप लोग शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।